हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले स्माइल 3.0 होमवर्क सॉल्यूशन। डेट है 12 अगस्त 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर 1 है इसका, सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, भाग है इसका 23 और 24। इसके हम सभी प्रश्नों का पर उत्तर देखने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान अगर समझिएगा, और आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है आप उसे जरूर से दबा देना। वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने के पश्चात आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर इसका आप लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को वहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, वहाँ पर पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अशुद्धि दोष किसे कहते हैं, हमें यहाँ पर अशुद्धि दोष के बारे में बताना है। तो देखो जो उत्तर है इसका, आयनिक यौगिकों में बाह्य अशुद्धि मिलाने पर, आयनिक यौगिकों में बाह्य अशुद्धि मिलाने पर उसमें जो दोष उत्पन्न होता है, अर्थात अव्यवी कणों की स्थिति आदि में जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धि दोष कहते हैं। अव्यवी कण में क्या होता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। अशुद्धि मिलाने पर दोष उत्पन्न होना कहलाता है अशुद्धि दोष कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग के बारे में बताना। तो देखिए बच्चों, शुद्ध अर्धचालक के चालकीय गुणों में परिवर्तन करने के लिए इनमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग कहलाती है। यानी देखिए, जब हम शुद्ध अर्धचालक के चालकीय गुणों में यदि हमें परिवर्तन करना है तो हम इसमें क्या मिला देते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा में अशुद्धि मिला देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए अर्धचालक के हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं, तो देखिए बच्चों, अर्धचालक पदार्थ वे होता है जिसके विद्युत गुण होते हैं वे सुचालकों तथा कुचालक के मध्य होते हैं। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन इन पदार्थों के सबसे चर्चित उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, चालक ठोसों की चालकता मान कितना होता है, हमें यहाँ पर चालक ठोसों की चालकता मान बताना है। तो बच्चों, चालक ठोसों की चालकता मान 10^7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर की घात इनवर्स होता है, है ना। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये किसका चिन्ह है, घात का है, तो आप इसे किस प्रकार लिखेंगे, 10^7 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, धात्विक चालक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो देखो बच्चों, दो कॉलम आप बनाएंगे, पहले तरफ धात्विक चालक, दूसरी तरफ विद्युत अपघटनी चालकता। पहला अंतर हम देखते हैं, धात्विक चालक में विद्युत धारा का चलन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, और विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का चलन आयनों की गति के कारण होता है। दूसरा, इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें आयनिक रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तीसरा, यहाँ पर पॉइंट देखते हैं हम, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकता के मान में कमी होती है, और ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी के चालकता के मान में वृद्धि होती है। चौथा, धात्विक चालकता से चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक से रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में स्माइल 3.0 होमवर्क के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सलूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सलूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए, जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विद इन 60 सेकेंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते, जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही पूरा नाम करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो जाइए और डाउनलोड